व्हाट शुड वी ईट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हमेशा से एक बहुत ही बड़ा सवाल रहा है कि हमें सुबह उठ के क्या हेल्दी चीज़ खानी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाएं या कुछ हेल्दी जूसेस पिएं या कुछ हेल्थ शॉट्स लें या फिर कुछ मीठा बट एट द सेम टाइम फुल ऑफ एनर्जी, इम्यूनिटी और हमारी बॉडी के लिए भी हमारे लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो चलिए, विंटर्स जो है वो नॉर्थ में तो दस्तक दे चुकी हैं, तो इसलिए जो है मैंने तो अपनी सर्दियों की तैयारी जो है वो शुरू कर दी। सो लेट्स गेट रेडी विद मी फॉर विंटर्स। जी हाँ, आज का वीडियो जो है वो विंटर्स रेसिपीज़ के रिगार्डिंग है, क्योंकि विंटर्स जो है दे आर द बेस्ट टाइम टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्थ ड्रिंक्स और ऑफकोर्स हम सबकी फेवरेट पिन्निया। तो चलिए, मेरी फेवरेट पिन्निया जो है, जो कि मैंने बनाई है, गुड़ पिन्नी, बिल्कुल शुगर नहीं है। सुबह उठिए और अपने फीके दूध के साथ उस पिन्नी को इन्जॉय कीजिए, विच इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशंस। तो चलिए बनाते हैं पिन्निया मिलकर। तो गुड़ पिन्नी जो है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है चीनी का, तो यहाँ पे मैं चीनी नहीं यूज़ कर रही, गुड़ पिन्नी, क्योंकि गुड़ मुझे जो है सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम्स ऑफ कैश्यूज और आलमंड्स, काजू और बादाम 100 ग्राम और कुछ नारियल। ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद, नहीं खाना चाहते तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और कुछ सीड्स लिए हैं, जिसमें पम्पकिन सीड्स हैं, जिसमें जो है पॉपी सीड्स भी लिए हैं, कुछ जो है अलसी भी इसमें लिया है और जो है तिल के दाने जो है मैंने लिए हैं। तो सारे सीड्स जो हैं उनको आप मिक्स करके जो है इसके अंदर मैंने कटोरी में डाल लिए हैं। मैंने जो है वैसे सैशे वाला यूज़ किया है, आप चाहें तो लूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सैशेस के अंदर जो है सीड्स वाले सैशेस जो है वो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो कढ़ाई जो है उसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने, और जैसे ही तेल गर्म होगा इसके अंदर हम डालेंगे अपने बादाम और काजू। तो सबसे पहले जो है वो मैं आलमंड्स ले रही हूँ। बादाम को जो है हमने इसके अंदर फ्राई करना है एक अच्छा क्रिस्प जो है टेस्ट देने के लिए, क्योंकि पिन्नी के अंदर वो क्रंचीनेस जो है ना इन चीज़ों की वो बहुत बढ़िया लगती है। पर इनको बिल्कुल लो मीडियम आंच पे हमने इनको तलना है, ताकि ये बिल्कुल भी जले ना, क्योंकि इनका फ्लेवर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का टेक्स्चर जो है वो आना चाहिए, बिल्कुल सुनहरा भूरा भुना हुआ होना चाहिए ये। तो इसी तरीके से जो है हम इनको जो है अपने कैश्यूज जो है, हमारे काजू जो है, उनको भी हम ऐसे ही तल लेंगे। और अगेन ध्यान रखिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे बनाना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी जल जाती हैं, तो इनको आपको तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। तो ये लीजिए, हमारे जो हैं काजू जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, कुछ इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और काजू जो है फ्राई करने के बाद बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इतना क्रंची टेस्ट आता है, और पिन्नी के अंदर टेस्ट जो है वो बहुत ही भर भर कर आता है। तो अब यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, अब कोई भी कढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे अब हमने जो सीड्स जो मैंने लिए हैं उनको हमने यहाँ पे रोस्ट करना है बिना तेल के। तो ये यहाँ पे जो है जितने भी सीड्स जो हैं उनको हम जो है एक पैन में रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट हमें कैसे पता चलेगा कि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं? लगातार हिलाते रहिए, बहुत तेज़ नहीं करना है, क्योंकि सीड्स हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो जैसे ही आपकी ये चीज़ें चटकने लगें, जी हाँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये चटकने लग पड़ी हैं, तो लीजिए अब ये तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल देते हैं, ठंडा होने तक वेट करेंगे, और उसके बाद जो है अब चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे फ्राई की हैं और रोस्ट की हैं, उनको हम पीस लेंगे। तो काजू और बादाम जो है वो मैं चॉपर में चॉप करूँगी, क्योंकि मुझे ये दरदरा चाहिए, बहुत ही ज़रा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि मुँह में हल्का हल्का सा आता हुआ टेस्ट जो है वो पिन्नियों में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है मैं इनका पाउडर फॉर्म में नहीं, बहुत ही दरदरा पीसूँगी कुछ इस तरीके से। तो ये जो है यहाँ पे मेरे काजू और बादाम जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, और बाकी के जो सीड्स जो हैं उनको मैं मिक्सी में पीसूँगी, क्योंकि इसका मुझे फ़ाइन पेस्ट ही चाहिए। अगर आप दरदरा रखना चाहते हैं तो वैसे भी रख सकते हैं, बट मेरे बच्चों को जो है वो इस ये सीड्स जो हैं देखते ही कुछ चक्कर आने शुरू हो जाते हैं उनको, कि ये क्या है, तो इसलिए उनको पता ही नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है सारे सीड्स जो हैं वो फाइन पेस्ट बना लिया है, और अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम एक बॉल के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, ये हो गया हमारा रोस्टेड और फ्राइंग पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है आटे की। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो मैंने जो है गुड़ लिया है, 400 ग्राम्स ऑफ गुड़, जिसको हम या तो आप कद्दूकस कर लीजिए या आप इसको अच्छे से मार मार के पीस लीजिए। और यहाँ पर जो है कोई भी मेजरिंग कप लीजिए, 2 कप आटा मैंने लिया है
पिन्नियाँ बनाने के लिए, जिसमें मेरी 25 पिन्नियाँ जो हैं वो बनी है। मतलब अगर आप बड़े बनाएंगे तो वो 20 लड्डू बनेंगे, अगर मीडियम साइज़ छोटे बनाएंगे तो वो 25। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑफ बेसन, ठीक है, 2 कप आटा और 1/4 कप जो है, आप चाहें तो आधा कप भी बेसन ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। बेसन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पिन्नी के अंदर, तो यहाँ पे जो है आटा और बेसन जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब हम इसको जो है अपनी कढ़ाई के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच जो है वो देसी घी के डाले हैं, और अब हम इसे भूनेंगे। और भूनना जो है हमें तेज़ आंच पे नहीं है, अगेन धीमी आंच पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है हम इसे भूनेंगे। और ये सबसे ज़्यादा लंबा प्रोसेस है इस पिन्नी का, क्योंकि आटा जो है वो अच्छे से भुना हुआ एक बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी गुड़ की चाशनी बनाने के लिए, जिसमें मैंने आधा कप पानी लिया है और 400 ग्राम गुड़ लिया है। और यहाँ पे इसको मैं एक लो मीडियम फ्लेम पे मैंने रख दिया है पकने के लिए। चाशनी जो है वो एक तार दो तार वाली हमें नहीं चाहिए है, क्योंकि हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है इसके अंदर, दैट्स ऑल। तो जैसे ही एक उबाला आता है तो समझ लीजिए कि आपकी चाशनी बन गई है, और गैस को कर दीजिए बंद। और ये बन चुकी है आपकी चाशनी तैयार। और इधर जो है वो मेरा जो है बेसन और आटा जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो भुन चुका है। आप देखिए, लगातार हिलाते रहिए ताकि जो है ज़्यादा जले भी ना, एक अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। आटा जो है वो अच्छे से भुन जाना चाहिए, नहीं तो कच्चे आटे का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगेन इसको मैंने एक बड़ी जो है बर्तन में, आप परात ले लीजिए कुछ भी, उसमें निकाल लीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। और उसके बाद जो है आपके जितनी भी रोस्टेड और फ्राइड इंग्रेडिएंट्स जो हैं, नट्स जो हैं, उनको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है हमने इसके अंदर डालना है गुड़ वाली चाशनी। तो जो गुड़ वाली चाशनी जो है वो हम थोड़ा गर्म ही, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बट हमें उसको ठंडा भी नहीं होने देना है। तो इतना की हो कि आप उसको बेयर कर सकें अपने हाथों में, आप जो है उस तरीके से जो है आप इसको लगातार जो है आटे और गुड़ की चाशनी को मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है लगातार आप इसको हिलाते रहिए, तो ये देखिए ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कलर और टेक्सचर जो है इसका उभर कर आएगा। धीरे 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 आप इसके अंदर जो है अपनी गुड़ वाली चाशनी को ऐड करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके अंदर धीरे धीरे ऐड करेंगे वैसे वैसे गुड़ और आटा जो है वो एक जो है लड्डू की फॉर्म जो है वो बनाने में हमारे लिए आसानी होगी। अगर आपको फिर भी मुश्किल लगता है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी और भी ऐड कर सकते हैं बनाने के लिए। तो लीजिए, बन चुकी हैं गुड़ की पिन्नियाँ, या आप इन्हें लड्डू भी कह सकते हैं, और फुल ऑफ न्यूट्रिशियस। आप बच्चों को भी खिलाइए और पूरी फैमिली के साथ खाइए। इसके अंदर अलसी डाली है, तिल डाले हैं, सभी तरह की सीड्स डाले हैं, काजू और बादाम, और घी की क्वांटिटी बहुत ही कम रखी गई है अगेन, और चीनी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है ये आपके लिए, सुबह एक जो है सुपर फूड की तरह जो है ये आपके लिए काम करती है। तो चलिए, यहाँ पे जो है पिन्नियाँ तो बन गई हैं, अब बारी आती है एक और न्यूट्रिशियस चीज़ की, वो है फॉक्स नट्स। जी हाँ, आप सभी ने जो है फॉक्स नट्स देखे होंगे, और हम सभी जानते हैं कि ये कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, स्पेशली फॉर विमेन एंड द चिल्ड्रन ऑल्सो, हमारे बच्चों के लिए भी, फुल ऑफ प्रोटीन्स, हमारी बोन्स के लिए जो है ये बहुत बढ़िया होते हैं। बट खाए कैसे जाएं? खाने सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। आप इसको जो है सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका जो है, आप मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बड़ा पैन लिया है, एक बड़ी कढ़ाई, चौड़ी कढ़ाई लीजिए आप इसे, और यहाँ पे फॉक्स नट्स जो हूँ मैं क्या करती हूँ सर, मतलब वैसे तो ये ऑल टाइम आप हर सीज़न में इनको खा सकते हैं, और ये इतने क्रिस्पी बन जाते हैं और इतने टेस्टी लगते हैं खाने में, कि मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे छोटे वाले बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो हूँ मैं इनको बटर जो हूँ मैं ले रही हूँ, और बटर के अंदर हम इसको जो है सौते कर लेंगे। तो मैंने एक बड़ा क्यूब बटर का जो है वो ले लिया है। चौड़ा पैन इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम मैं एक नैरो पैन लूँगी तो जो फॉक्स नट्स जो हैं वो सिर्फ नीचे तक ही जो है वो बटर को कंज्यूम कर पाएंगे, और ऊपर वाले जो है उनमें बटर नहीं लग पाएगा। तो इसलिए एक चौड़ा पैन लीजिए आप,
ब्रॉड पैन होगा तो आप उसको अच्छे से बटर को जो है विद द हेल्प ऑफ फोक जो है सब जगह जो है उसको लपेट लीजिए, ये देखिए, और इस तरीके से जो है इसको फॉक्सनट्स को सौते कर लीजिए। तो फॉक्सनट्स जो है जैसे कि बहुत अच्छा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी, आप खुद भी खाइए, बच्चों को भी भर भर के खिलाइए, और चाहें तो आप इनको पिनियों में भी पाउडर फॉर्म में भी डालकर यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे खाने में भी ये बहुत क्रंची लगते हैं इस तरीके से। पर अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम इनको कितना क्रंची करना है, कि ये हुए या नहीं हुए? ऑफ कोर्स आप इसको खा के भी देख सकते हैं। तो हमें इनको गोल्डन जो है ब्राउन होने तक भूनना है, और जब आप देखिए कि अगर आप एक उठाते हैं और आपकी सिर्फ उंगली से ही ये टूट जाए कुछ इस तरह से, तो समझिए कि आपका काम जो है वो भूनने का पूरा हो चुका है। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, गैस को कीजिए बंद, और अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ फ्लेवर्स ताकि बच्चों को खाने में बहुत मज़ेदार लगने चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ओरिगैनो। आपको पता है ओरिगैनो के नाम से तो उनको जो मर्जी खिला दीजिए। तो यहाँ पे मैं ओरिगैनो डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक नहीं डालने की ज़रूरत है कि बटर के अंदर डाला है, ऑलरेडी सॉल्टेड है, और ओरिगैनो के अंदर भी थोड़ा सा जो है सॉल्ट होता है। थोड़ी सी काली मिर्च जो कि सर्दियों के लिए बहुत बढ़िया रहती है, ऐसे तो वो खाते नहीं हैं तो ऐसे ज़रूर खा लेंगे। तो और थोड़ा सा जो है चिली फ्लेक्स डाला, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, वो आप ना भी डालिए। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर जो है बंद करके रख लीजिए, और सुबह शाम जो है दूध के साथ या ऐसे भी चलते फिरते भी अगर बच्चों को देंगे और आप खुद भी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहते हैं ये। तो ये काम भी जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और चलिए अब जो है मेरा बेटा बहुत देर से वेट कर रहा है कि कब फॉक्सनट्स बनेंगे और कब मुझे खाने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे छोटे वाले बेटे को फॉक्सनट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो स्कूल में भी कहता है कि फ्रूट की जगह आप मुझे यही डाल दो। तो अगेन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और बहुत एक हेल्दी हैबिट है, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम सबको जो है अपनी डाइट के अंदर इनको इंक्लूड करना चाहिए। अब बारी आती है कुछ हेल्थ ड्रिंक की। अगेन इससे पहले मुझे भी मैं बचपन में बहुत आमले खाया करती थी, उसके बाद बिल्कुल ही छोड़ दिए, कभी नहीं खाए, बट अब लगता है कि खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंडियन गूसबेरी, हम सभी जानते हैं कि आंवला जो है एक सुपर फूड है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर। फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, हमारी स्किन के कॉलेजन को बढ़ाता है, और वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। तो चलिए एक बहुत ही ईजी तरीका है, आपने क्या करना है, एक आंवला लीजिए, उसे कद्दूकस कीजिए और उसका रस जो है वो कटोरी में निकाल लीजिए। यहाँ पे मैंने एक आंवले से जो है ऑलमोस्ट एक से डेढ़ चम्मच रस जो है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये एक से सवा चम्मच जो है वो डेढ़ चम्मच रस जो है वो निकला है। अब मैं आधा गिलास पानी लूँगी, और जो रस जो है वो एक चम्मच जो रस जो है वो इसके अंदर हम जूस जो है वो डाल देंगे। मिक्स कीजिए और जल्दी से पी लीजिए। आप चाहें तो दो चम्मच भी डाल सकते हैं, तीन भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं या हनी भी डाल सकते हैं। सर्दियां हैं तो ल्यूकवॉर्म वाटर में पीजिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की चीज़ें जो है वो आपको पसंद आई होगी। हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए तो हमने सब कुछ बना लिया है और पूरी तैयारी कर ली है विंटर्स की, अब थोड़ा सा स्किन केयर भी हो जाए, क्योंकि एज वी ऑल नो कि विंटर्स में स्किन जो है वो सबसे ज़्यादा केयर मांगती है। ऐसे तो समर्स में भी हमें उतनी ही केयर की ज़रूरत होती है, बट मुझे एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि विंटर्स जो है वो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देती हैं, सबसे बेस्ट आउटपुट मिलता है आपको अपनी स्किन में से, अगर आप उसमें जो है बहुत अच्छे से इन्वेस्ट इन द सेंस, ये नहीं कि हमें मार्केट से कुछ बाय करना है। अगर आप होममेड प्रोडक्ट्स जो है, फेस पैक्स जो है, अगर घर पर ही बनाते हैं और अपनी स्किन के ऊपर उनको अप्लाई करते हैं, बहुत सारे सीरम्स और ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे ही यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स के साथ, और वो आपकी स्किन को जो है बहुत ही बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट बैक इन टू द किचन और बनाते हैं एक बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक होममेड फेस पैक, जो कि हम पूरी विंटर्स में जो हूँ मैं यूज़ करने वाली हूँ। कोई भी इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए चलते हैं जल्दी। चलिए बनाते हैं फेस पैक, और इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया है, आप इसको आराम से 6 मंथ्स जो है वो फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, रादर इससे ज़्यादा भी चल जाता है अगर आप इसको ऑल टाइम फ्रिज में रखेंगे। तो
तो चलिए बनाते हैं फेस पैक, और इसके लिए मैंने लिया है बादाम। ऑफ कोर्स जैसे हमें पता है फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड वेरी गुड फॉर स्किन। बादाम का तेल हम स्किन पे लगाते ही हैं वैसे भी, तो इसे मैं अपने फेस पैक में यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है बाइंडिंग के लिए चावल का आटा, विच इज़ अ वेरी गुड वाइटनिंग एजेंट। और एज वी ऑल नो कि कोरियंस जो हैं वो अपने स्किन केयर में राइस वाटर और राइस पैक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दिस इज़ अ इंडियन बेसन, हमें पता ही है कि बेसन जो है वो हमेशा से ही एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक क्लींजर रहा है। तो यहाँ पे बाइंडिंग के लिए मैंने दो चीज़ें यूज़ की हैं, एंड दिस इज़ ओट्स, वेरी गुड फॉर स्किन, बहुत अच्छी हाइड्रेशन स्किन को देता है ये। और दिस इज़ अ हल्दी, जो कि हम सबको पता है एक एंटीसेप्टिक एजेंट है और बहुत किसी भी स्किन तरह की एलर्जीज और डिजीज़ को जो है वो ख़त्म करता है। एंड दिस इज़ सिनेमन, जो कि ब्लेमिशेस, स्कार्स और आपकी पिगमेंटेशन को जो है वो ख़त्म करता है। तो ये जितने भी इन्ग्रीडियंट्स जो है इनको हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे, एक फाइन पाउडर बना लेंगे, और उसके बाद जो है इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में, हो सके तो आप ग्लास में रखिए, लीजिए फाइन बिल्कुल पेस्ट, सॉरी पाउडर जो है फाइन पाउडर बन के तैयार हो चुका है। और अब जो है इसमें हम जो है आप उसको ल्यूक वार्म वाटर, रोज़ वाटर, आप दूध के अंदर, कच्चे दूध के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर मिक्स करके एज़ पर योर स्किन रिक्वायरमेंट, जो भी आपका स्किन है ड्राई या कॉम्बिनेशन और ऑयली, उस हिसाब से जो है आप इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। आप इसे डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, घर की बनी हुई चीज़ों से बना है। इवन मैंने इसमें जो हल्दी भी यूज़ करी है वो भी जो है घर की बनी हुई हल्दी ही यूज़ करी है, क्योंकि मार्केट वाली जो हल्दी जो होती है ना उसमें समटाइम्स केमिकल्स भी हो सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक हल्दी मिलती है तो बेटर है कि आप उसे ही यूज़ करें। तो चलिए मेरा फेस पैक तो जो है वो तैयार हो चुका है, और इसे मैं लगाऊंगी। इसे मैंने जो है दूध के अंदर डिप किया है, और आप प्लीज़ इसको 2 मिनट ज़रूर डिप करके रखिए, क्योंकि इसके अंदर ओट्स हैं वो सूखे, मतलब थोड़ा सा जो भी आप लिक्विड इसके अंदर डालेंगे कुछ भी, तो वो उसको सोख लेगा और वो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए चलिए लगाते हैं। और हेयर आई वॉन्ट टू शेयर वन मोर टिप विद यू, आप जो भी स्किन केयर करते हैं लाइक फेस पैक है, शीट मास्क है, एनीथिंग, अगर हो सके तो योर फेशियल ऑल्सो, हमेशा उसको रात को कीजिए, क्योंकि रात को जो है यू विल फाइंड 50% मोर बेटर रिजल्ट्स जो कि आप दिन में कोई ट्रीटमेंट लेते हैं या दिन में कोई पैक लगाते हैं। तो हमेशा जो है कोई भी पैक जो है अगर रात को लगाएंगे तो वो आपको ज़्यादा आपकी स्किन पे असर करेगा। चलिए, सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड गिव योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स, बिकॉज आपके कॉमेंट्स जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कुछ नया और क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस।